वाला है, वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था
कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई
कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे
बवाल मचा हुआ है। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं।
वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई
कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने
करने के लिए। हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर मांगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर मांगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर मांगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर मांगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है
और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो 11 महीने हो 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर मांगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो 11 महीने हो 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर मांगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो 11 महीने हो 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर मांगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो 11 महीने हो 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर मांगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार
प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं, ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं, ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं, ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं, ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए
हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो,
11 महीने हो 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो 11 महीने हो 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति, इस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो 11 महीने हो 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो 11 महीने हो 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई
कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर मांगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर मांगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर मांगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने
के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं।
वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे। हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला। और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे। हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला। और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे। हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला। और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे। हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला। और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई
कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए
हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं।
वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई
कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। वाला है वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। वाला है वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। वाला है वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। वाला है वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए
हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है
और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था
कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए
हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए, लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपनी जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए, लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए, लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए, लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो,
11 महीने हो 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो 11 महीने हो 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो 11 महीने हो 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो 11 महीने हो 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई
कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए
हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए, लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए, लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए, लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए, लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है
और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार
कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए
हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर मांगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर मांगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर मांगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर मांगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है
और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर मांगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर मांगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर मांगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर मांगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था
कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर मांगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर मांगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर मांगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो
हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है
और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं, वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी है वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये
ढोंडे काम करते हैं, ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं, ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं, ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं, ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वाला है। वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं,
हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस और आगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से एक किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये ढोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई।